आप लोग कैसे हैं? आप लोग अपना ही चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है टफ क्वेश्चंस इजी सॉल्यूशंस। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिले कि मैं और अच्छे अच्छे कॉम्पिटेटिव वीडियोस डालूं। ये एक्चुअली में कैट्स लेवल के क्वेश्चंस हैं और ये वन लाइनर क्वेश्चंस की तरह आते हैं एक नंबर में, लेकिन आजकल देखा गया कि SSC बैंक्स और सब में पूछे जा रहे हैं, चाहे स्टेट के PCS के एग्जाम्स हो जो उसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटीज पूछे उसमें क्वेश्चन से आते हैं। तो जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी देखिएगा जरूर, तभी आपको समझ में आया कोर प्राइम्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो वही है क्वेश्चन, अब मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया है कि कैसे इसको अदर क्वेश्चंस को भी कैसे हम सॉल्व करें। तो एक बार हम फिर से रिमाइंडर कर रहे थे दिमाग में कि अगर कभी भी 5 of 13 is to 12 दिया तो रिमाइंडर 1 आएगा, 5 is to 24 to 8 दिया तो रिमाइंडर 1 आएगा, 5 to 7 to 6 दिया तो रिमाइंडर 1 आएगा, 9 to 6 दिया तो रिमाइंडर 1 आएगा। अभी 13, 12, 24, 8, 7, 6, 9, 6 ये अगर याद कर लेते हैं आप, तो याद करने में ये फायदा हो जाएगा आपको कि ये जो जो आइडेंटिटीज और रूल्स दिए गए हैं, तो 13, 12, 8, 24, 7 का 6, 9 का 7, लेकिन साथ में जो जो आपका डिविडेंड है वो भी आपका कहते हैं डिवाइजर के साथ को प्राइम होना चाहिए। तो ये दो नंबर को प्राइम है, टन से थ्योरम लगाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आपको बस ये चार थ्योरम्स या आइडेंटिटीज या कई थ्योरम्स है या छोटा सा ट्रिक्स है याद करनी पड़ेगी। तो हम जनरल क्वेश्चन पे आते हैं, इधर आइए फोकस करिए। जैसे 13 to 50 by 24 इसका रिमाइंडर क्या होगा? अब याद आया कि आपको एक हमने थ्योरम याद की थी, 8 से 24 तो रिमाइंडर 1, भाई 8 से 24 से 8 तो रिमाइंडर 1, ठीक। ये आप थ्योरम आपको याद आ गई, लेकिन समस्या क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ये ऊपर 8 नहीं बना हुआ है। अब भाई समस्या आ गई, तो इसको हम 8 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अब ये तरीका क्या है कि जो 50 है उसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 8 40 रिमाइंडर 2 बचा। तो मतलब ये जो 13 की पावर है इसको ऐसा करिए कि 6 टाइम्स ही ऐसा चला जाए, 8 की पावर 6 टाइम्स, और फिर जो बचा हुआ सेक्शन बचा रिमाइंडर वाला 2 इसका बचा है वो 13 is to 2, और 13 × 13 सबको पता है 13² 169 है, तो 169 को जब 24 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि 24 × 7 = 168 होता है, ठीक। तो इसका रिमाइंडर 1 है, कोई टेंशन खत्म। अब ये बिल्कुल एक जैसा बन गया, क्योंकि एक्चुअली में है क्या 13 की पावर 8 है, फिर 13 की पावर 8 है, इसका करते करते ये 6 टाइम्स है वो। अब ये एक बार हमने ले लिया, इसलिए 5 टाइम्स कर दीजिए इसको, और नीचे क्या है 24 है। अब इसको इंडिविजुअल करिए, एक को करिए, जो रिमाइंडर होता है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यहाँ काम करता है, आपस में मल्टीप्लाई करती है वही रिमाइंडर हो जाता है। तो ये देखा 8 से 24, ये दोनों को प्राइम है, 13 24 रिमाइंडर 1 है, बस रिमाइंडर 1 आ गया, इधर भी रिमाइंडर 1, सब रिमाइंडर सब आपस में जब मिल गए तो रिमाइंडर 1 हो गया। तो इस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहते हैं शेयर करिए, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालूं, और इसी सीरीज में भी मैं और भी क्वेश्चन डाल रहा हूँ। ये तो ये कॉन्सेप्ट होगा को प्राइम का। इसके अलावा कुछ जनरल कहते हैं होता है a^(m) - a^(n)/something a+m या a-n है, ये जनरल क्वेश्चन होते हैं, इसका भी मैं वीडियो भी डालने वाला हूँ थोड़ी दिन में। आप लोग चैनल को जरूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।